राजस्थान के जोधपुर में चोरी का एक अजीब गरीब मामला सामने आया है। जहाँ सिगरेट के शौकीन चोरों ने करीब 70 लाख रुपए की सिगरेट चोरी कर ली। इस चोरी में खास बात यह है कि जिस दुकान में चोरों ने चोरी की उस दुकान में अन्य सामान भी रखा हुआ था, लेकिन सिगरेट के शौकीन चोरों ने केवल 70 लाख रुपए की सिगरेट चोरी की, जबकि अन्य किसी सामान को आग तक नहीं लगाया। जोधपुर शहर के एक होलसेल विक्रेता दुकान से रविवार रात सत्ता तोड़कर करीब 70 लाख रुपए की सिगरेट और 4 लाख रुपए नकद चोर लिए गए। चोर एक मिनी ट्रक में सिगरेट कार्टन भरकर भाग निकले। पुलिस वाला के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है और यह शहर में पहली बार है जब एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में सिगरेट की चोरी हुई है। चोरों ने एजेंसी के शटर के बीच में से शटर को ऊंचा कर उसे तोड़ दिया और साथ ही बदमाशों ने एजेंसी के अंदर रखे अन्य सामान को आग तक नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ सिगरेट के पैकेट्स पर ही अपनी नज़र रखी। एजेंसी में रखे सिगरेट के सारे कार्टन उठाकर भाग निकले। चोरों ने बड़े आराम से एक मिनी ट्रक में सिगरेट कार्टन लोड किया और भाग निकले। चोरी की वारदात सीसीटीवी वीडियो में भी नज़र आ रही है। मामले पर दुकान मालिक ऋषभ ने बताया कि कल रात को उसके यहाँ घुसे चोरों ने करीब 65 से 70 लाख रुपये मूल्य की सिगरेट लेकर चलते बने। जाते समय चोर वहाँ रखे करीब 4 लाख रुपये नकद भी ले गए। बड़ी चोरी होने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। तो इस तरह राजस्थान के जोधपुर में चोरी का एक अजीब गरीब मामला सामने आया है, जहां चोरों ने करीब 70 लाख रुपए की सिगरेट पैकेट चोरी कर लिए।